राजनांदगांव जिला पंचायत सदस्य और खैरागढ़ विधानसभा के लोकप्रिय कांग्रेस नेता विजय वर्मा इन दिनों छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के सभी योजनाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से खैरागढ़ विधानसभा के गांव-गांव जाकर आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि विजय वर्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महत्वाकांक्षी योजना छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी जैसी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाने में लगे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। विजय वर्मा ने कार्यक्रम को उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना सभी वर्गों के हित में है। छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है जो कि ग्राम के युवाओं को मजबूत और लाभकारी होगा। विजय वर्मा ने आगे कहा कि युवा हमारे देश के आने वाले भविष्य हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और महिलाओं की स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर महिलाओं को भी उन्नति करने के लिए अनेक योजनाओं को संचालित किए हैं। गौरतलब है कि विजय वर्मा ने जंगल को आग से बचाने के लिए ग्रामीणों से अपील किया है और कहा कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जंगल को बचाना बेहद जरूरी है। विजय वर्मा के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों के द्वारा भूपेश बघेल जिंदाबाद, विजय वर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि खैरागढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में जनता विजय वर्मा को पसंद कर रही है। यदि कांग्रेस पार्टी विजय वर्मा को विधायक प्रत्याशी घोषित कर देती है, वनांचल से लेकर मैदानी इलाकों तक कांग्रेस पार्टी को भरपूर फायदा देखने को मिल सकता है। दुर्ग से संवाददाता वाई के साहू, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।